हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने मेंडल के नियम यानी कि मेंडल्स लॉ। तो मेंडल के प्रयोग आपने पढ़ा, दो प्रयोग पढ़ा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि पहला प्रयोग जब उन्होंने किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण, तो उन्होंने जो है उस प्रयोग करने वो प्रयोग करने के बाद उन्होंने दो नियम बताया था, कौन कौन सा, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। फिर जब उन्होंने दूसरा प्रयोग किया डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण, तो उसके आधार पर उन्होंने जो है वहां से एक और नियम बताया जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो मेंडल के जो पहला प्रयोग है यानी कि जो एक संकर संकरण है उसके बाद जो है मेंडल ने ये दो नियम बताए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। और जब उन्होंने द्विसंकर संकरण प्रयोग किया उसके बाद उन्होंने एक और नया नियम बनाया यानी कि तीसरा नियम उन्होंने बताया, स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो इस प्रकार से जो है मेंडल ने अपने कितने नियम दिए हैं, तीन नियम दिए हैं। पहला है प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है स्वतंत्र अवयवन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो मेंडल ने ये जो तीन प्रयोग दिया है इसमें से पहले हम बताते हैं आपको प्रभाविता का नियम, तीनों नियम आप लिख लेंगे। उसके बाद पहली हेडिंग लिखेंगे प्रभाविता का नियम। तो देखिए प्रभाविता का नियम जो है इसमें क्या कहा मेंडल ने, तो प्रभाविता का नियम जो है इसमें मेंडल ने क्या कहा, तो इसमें मेंडल ने जो है इसमें मेंडल ने बताया प्रभाविता के नियम में, पहले हम लिख देते हैं फिर बताते हैं, जब प्रभावी लक्षण का एक जीन और अप्रभावी लक्षण का, जब प्रभावी लक्षण का एक जीन और अप्रभावी लक्षण का एक जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, दोनों जो है एक साथ उपस्थित होते हैं तो प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता। ठीक है, क्या है इसमें कि जब जो है प्रभावी लक्षण का एक जीन और अप्रभावी लक्षण का एक जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो उनमें से जो है प्रभावी लक्षण वाला जीन ही जो है प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ये जो है क्या हो जाता है, यह छिपा रह जाता है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। इसमें प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या बताया कि जब जो है प्रभावी लक्षण का एक जीन और अप्रभावी लक्षण का एक जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो उनमें से केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है, वो क्या हो जाता है, वो छिपा रह जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा था यहाँ पे कि जो है एक जो है क्या था, जब आपने पहला प्रयोग किया था तो उसमें आपने कैपिटल टी
उसके बाद एक जो है आपने दूसरा लिया था इस्माल्टी इस्माल्टी, ये इस प्रकार से दो पौधे यहाँ पे, यहाँ पे जो है एक क्या है कैपिटल टी ये बनता है और ये दूसरा ये युग्मक बनता है, और यहाँ पे जो है ये युग्मक, इस प्रकार से जब युग्मक बनते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, इस प्रकार से कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर यहाँ पे भी इस प्रकार, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्रकार से जब पौधे बनते हैं ये पौधे, सभी पौधे जो है ये कैसे होते हैं, सभी पौधे टाल होते हैं, ठीक है ना, सभी पौधे कैसे होते हैं टाल होते हैं, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो जीन है, एक प्रभावी लक्षण वाला जीन है और एक अप्रभावी लक्षण वाला जीन है, एक प्रभावी लक्षण वाला जीन और एक अप्रभावी लक्षण वाला जीन, लेकिन लक्षण किसका प्रदर्शित हो रहा है, प्रभावी वाला, क्योंकि प्रभावी जो है ये कैसा था टॉल था और अप्रभावी जो है ये कैसा है डॉर्फ है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि इन चारों प्लांट में आप देख रहे हैं दो दो जीन उपस्थित हैं और दोनों में जो है एक प्रभावी जीन है और एक अप्रभावी जीन है, लेकिन लक्षण किसका प्रदर्शित हो रहा है, प्रभावी लक्षण यानी कि प्रभावी जीन जो है उसी का लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, तो इसी के माध्यम से इसी से जो है मंडल ने एक नियम बनाया जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम में यही है कि जब प्रभावी लक्षण का एक जीन और अप्रभावी लक्षण का एक जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है और अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है, वो कहाँ क्या होता है छिपा रह जाता है, ऐसा नहीं कि नष्ट होता है, ये छिपा रह जाता है, जैसा कि आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि F1 जनरेशन में नहीं शो हुआ लेकिन F2 जनरेशन में जाकर के एक पौधा जो है वो कैसा बनता है, एक पौधा जो है वो डॉर्फ बनता है, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि अप्रभावी वाला लक्षण जो है, अप्रभावी जीन जो होते हैं वो छिपे रहते हैं, अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करते, अगर पहले भी नहीं प्रदर्शित कर पाते तो दूसरी पीढ़ी में प्रदर्शित करते हैं, दूसरी पीढ़ी में भी नहीं प्रदर्शित कर पाते तो तीसरी पीढ़ी में, यानी कि किसी ना किसी पीढ़ी में जा करके अप्रभावी जीन वाला का भी लक्षण प्रदर्शित होता है, ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था मेंडल का जो है प्रभाविता का नियम, इसे आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद नोट करिएगा। अब दूसरा जो है वो है पृथक्करण का नियम, दूसरा नियम जो है मेंडल का वो क्या है, तो वो है पृथक्करण का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, इंग्लिश हमने लिख दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, इसमें जो है पृथक्करण के नियम में मंडल ने क्या बताया, इसमें मंडल ने ये बताया कि जो लक्षण होते हैं यानी कि किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार जो जीन होते हैं वे युग्मक बनते समय जो है क्या हो जाते हैं, वो जीन जो है आधे आधे स्वतंत्र रूप से पृथक होकर के युग्मक में चले जाते हैं, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि युग्मक बनते समय जो है जीन आधा आधा पृथक होकर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं युग्मक बनते समय, युग्मक बनते समय जीन आधा आधा, जीन जो है आधा आधा पृथक होकर, आधा आधा पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं, यानी कि पृथक्करण के नियम में क्या है कि युग्मक बनते समय जीन जो होते हैं वो आधा आधा पृथक होकर के युग्मक में चले जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे आपने क्या लिया कैपिटल टी, या कैपिटल टी कैपिटल टी भी लीजिए, यहाँ पे आपने लिया कैपिटल टी और यहाँ पे आपने लिया स्मॉल टी, इसको आपने माना फीमेल और इसे मेल, ये क्या है मेल है और ये फीमेल है, तो ये क्या है ये जनक है, ये जनक है यानी कि पैरेंट, ठीक है। तो जब इनसे युग्मक बनता है तो युग्मक बनते समय आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जीन कैपिटल टी है,
ठीक है, दो जीन है। तो ये जो है जब युग्मक बनते हैं तो आधा आधा जो है पृथक हो जाते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे जो है मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या बने हैं, युग्मक यानी कि गैमेट। ठीक है ना, युग्मक बने हैं, गैमेट बने हैं। तो आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितने थे, मान लीजिए यहाँ पे 46 क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, ऐसे समझने के लिए, और यहाँ पे भी क्या है, 46 क्रोमोसोम है, या ऐसे आप इसको छोड़िए, 46 के कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जो क्रोमोसोम की संख्या है वो क्या है, 2n है, यानी कि डिप्लॉयड है। यहाँ पे भी क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 2n है। तो जब यहाँ इसमें जो है मियोसिस डिवीजन होता है, तो ये 2n जो है ये n n हो करके, यानी कि ये युग्मक बनते समय जो है ये आधे आधे पृथक हो जाते हैं, ये भी n और ये भी n। ठीक है, या आप इससे भी देख सकते हैं कि जीन जो है आधा आधा क्या हो जा रहा है, पृथक हो जा रहा है, यानी कि किसी भी लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन जो होता है, किसी भी लक्षण के लिए जो जीन जिम्मेदार होते हैं वे क्या होते हैं, युग्मक बनते समय जो है पृथक हो करके किसमें चले जाते हैं, युग्मक में चले जाते हैं, यानी कि आधे आधे पृथक हो करके युग्मक में चले जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, इतना लिख लेंगे, युग्मक बनते समय जीन जो है आधा आधा पृथक होकर के युग्मक में चले जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पृथक्करण का नियम, या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी लक्षण के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार जीन जो होते हैं वे जो है युग्मक बनते समय आधा आधा पृथक होकर के उनके युग्मक में चले जाते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे युग्मक जो यानी कि जीन जो है या क्रोमोसोम जो है वो 2n है, यहाँ पे भी 2n है, तो जब इनसे युग्मक बना तो ये आधे आधे पृथक हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं जीन जो है कैपिटल टी है, तो जब इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ तो ये आधे आधे जो है पृथक होकर के इसके युग्मक में चले गए। ठीक है, यहाँ पे भी मियोसिस डिवीजन हुआ तो इसके जो जीन है ये आधे आधे क्या हो गए, पृथक हो गए। तो इसी को हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। ये नियम जो है, जो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम मेंडल ने किसके बाद दिया है, एक संकर संकरण के बाद दिया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सा नियम मेंडल ने किस संकरण के बाद दिया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम जो है ये मेंडल ने किस प्रयोग के बाद दिया था, एक संकर संकरण प्रयोग के बाद में दिया था। उसके बाद जो है द्विसंकर संकरण के बाद इन्होंने तीसरा नियम दिया था, इसको आप नोट कर लेंगे। तीसरा नियम जो दिया था इन्होंने, तो तीसरा नियम दिया था स्वतंत्र अभिभवन का नियम। तीसरा नियम जो है मेंडल का वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अभिभवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये है स्वतंत्र अभिभवन का नियम। तो स्वतंत्र अभिभवन का नियम जो है इसमें मेंडल ने क्या बताया, इसको कब मेंडल ने दिया था, तो मेंडल ने इसे जो है द्विसंकर संकरण प्रयोग के बाद दिया था। इसमें मेंडल ने क्या बताया, इसमें मेंडल ने कहा कि जब दो लक्षणों के जीन एक साथ उपस्थित हो, या जो है हम कह सकते हैं कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण करवाया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन जो है स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। लिख लेंगे हम कि जब जो है इसमें जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो
गुण से जब जो है दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण करवाया जाता है तो जो है दोनों लक्षणों के दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से उनके युग्मकों में जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब जो है दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण करवाया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन जो है स्वतंत्र रूप से युग्मकों में जो है अलग अलग जाते हैं, स्वतंत्र रूप से युग्मकों में जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग लिखना चाहिए था, स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग जाते हैं, अलग अलग जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से उनके युग्मकों में अलग अलग जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने देखा था द्विसंकर संकरण में कि दो जो है लक्षण लिया गया है, एक राउंड वाला यानी कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई, दो लक्षणों के जीन यहाँ पे हैं और यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लक्षण का जीन ये है और एक लक्षण का जीन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जब युग्मक बनते हैं तो दोनों लक्षणों के जीन जो है स्वतंत्र रूप से यानी कि दोनों लक्षणों के जीन जो है युग्मकों में अलग अलग जाते हैं। जैसे यहाँ से आधा आया, आधा यहाँ से, तो यहाँ से आर हो गया, यहाँ से वाई हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है एक ही बार हम दिखाए यहाँ पे ये जीन जो है एक पृथक होते हैं, इस प्रकार से आधा जाते हैं, आधा यहाँ से आधा यहाँ से, इस प्रकार से यहाँ से युग्मक बनता है और यहाँ से भी आधा, ऐसे ऐसे कई बनते हैं, आपने बनाया था चार या दो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है मियोसिस डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों जो है दो लक्षण के जीन है। ठीक है, और दोनों लक्षणों के जीन को जब एक साथ लेकर के संकरण करवाया जाता है तो जो है युग्मक बनते समय तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से उनके युग्मकों में अलग अलग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों लक्षण के जीन जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग आते हैं, आधा यहाँ से आया आधा यहाँ से आया। तो इस प्रकार से कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो गया, यानी कि यहाँ पे दोनों लक्षणों के जीन उपस्थित हैं। और जब इनसे जो है ये पौधा जब बनेगा, इनसे जब यहाँ पे दोनों में क्या होता है संकरण करवाया जाता है तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जो है लक्षण का जीन यहाँ पे ये प्रभावी अप्रभावी दोनों है और दूसरे लक्षण का जीन ये प्रभावी और अप्रभावी है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये किसका जीन है, ये राउंड वाले का जीन है, राउंड लक्षण का, और ये जो है एलो बीज का लक्षण है। ठीक है, तो दोनों जो है यहाँ पे अपना अपना लक्षण, ये वाला जीन भी अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है और ये वाला जीन भी अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। या ऐसा नहीं हो रहा कि कोई एक जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा हो, दोनों जीन जो है अपना अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक जीन जो है दूसरे जीन को जो है क्या कर दे, प्रभावी कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे लिख भी सकते हैं कि दूसरे लक्षण के जीन जो है यानी कि जो है एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता, हम लिख भी सकते हैं। तो ये था स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। स्वतंत्र अभ्युहन के नियम में क्या है कि जब दो लक्षणों को आप देख रहे हैं, जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है
तो उनसे युग्मक बनते समय जो है तो उनके जीन जो है उनके युग्मकों में स्वतंत्र रूप से अलग अलग जाते हैं और दोनों जो है स्वतंत्र रूप से अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित कर दे, ठीक है, यानी कि एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता। आगे लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे और ये आप यहाँ दिखा लेंगे, ये क्या है, ये पेरेंट है और ये क्या है, ये गैमेट है और ये F1 जनरेशन के प्लांट है, ठीक है। जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से उनके युग्मकों में अलग अलग जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। ये था जो है स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो इस प्रकार से ये आपने मेंडल के 3 नियम देखे, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करिएगा, ये आप पूरा बना भी लेंगे। तो ये थे मेंडल के 3 नियम। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता या और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।